मोटू पतलू और भालू। एक गांव में मोटू और पतलू दो दोस्त रहते थे। दोनों आपस में बहुत खुश रहते थे। उनकी दोस्ती देखकर लोगों को जलन होती और कभी कभी वो उन पर हंसते भी थे। लोग आपस में भी बातें करते रहते कि मोटू और पतलू कितने अच्छे दोस्त हैं। दोनों की दोस्ती बचपन से चली आ रही है, मगर कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है। एक दिन उसका दूर का दोस्त जो दूसरे गांव में रहता था, उसे अपने घर अपनी बहन की शादी का इनविटेशन देने के लिए आया। वैसे तो उसके दोस्त का गांव बहुत दूर नहीं था, मगर जिस रास्ते से होकर उसे जाना था वह एक घना जंगल था और उस जंगल में अनेक जंगली जानवर रहते थे। शेर भालू का वहाँ खतरा हमेशा बना रहता था। मोटू और पतलू उसी रास्ते से होकर अपने दोस्त के बहन की शादी में जाने लगे। रास्ते में उन्हें एक भालू मिला। दोनों बहुत डर गए और सोचने लगे कि क्या करें। पतलू दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन मोटू मोटा होने के कारण पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। वह अपने दोस्त को आवाज़ देता रहा, मगर वह पेड़ से नीचे नहीं उतरा। तभी भालू आगे आने लगा। अब मोटू को कुछ नहीं सूझ रहा था, तो वह डर के मारे चुपचाप आँख बंद करके लेट गया और मरने की एक्टिंग करने लगा। उसने सुन रखा था कि भालू मरे हुई चीज़ों को नहीं खाते। भालू अब आगे बढ़ा और उसने आकर मोटू को सूंघा और वहाँ से चला गया। जब भालू वहाँ से चला गया, तब पतलू उतर कर मोटू के पास आया और उसने कहा कि अरे दोस्त, वो भालू तुम्हें क्या कह रहा था? मैंने सुना कि उसने तुम्हारे कुछ कान में कहा था। तब पतलू बहुत गुस्सा हुआ और उसने कहा कि सबसे पहले तुम मुझे दोस्त मत कहो। मुसीबत में मुझे छोड़कर भाग जाते हो और अपना दोस्त बता रहे हो। ये कैसी तुम्हारी दोस्ती है? ऐसे दोस्त से तो कोई दोस्त ना हो वही अच्छा, और यही भालू ने भी मुझसे कहा था। अब पतलू समझ चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और वह बहुत शर्मिंदा हुआ। इस तरह से दोनों की दोस्ती भी टूट गई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।